आप सभी को जोहार। आज की हमारी वीडियो हिंदी में होने वाली है और आप सभी जानते हैं जब भी हम हिंदी में वीडियो बनाते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ खास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी माहौल है सरस्वती पूजा का। देश के कई हिस्सों में सरस्वती पूजा मनाया जाता है, काफी हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ सरस्वती को विद्या की देवी भी कहा जाता है, विद्या की देवी भी माना जाता है। लेकिन जो घटना सरस्वती पूजा के अवसर पर जो घटना सामने आई है वो काफी निंदनीय है, जिसे देखकर और सुनकर सिर्फ आप और हम नहीं बल्कि माँ सरस्वती खुद हैरान रह जाएंगे। मलिंद मुर्मू और उनकी पत्नी सुनीता किस्कू सड़क पर कहीं जा रहे थे अपने गाड़ी में। उन्होंने देखा सड़क पर कुछ लड़कों के द्वारा रास्ता जाम किया जा रहा था। उन्होंने देखा कि यहाँ पर सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा मांगा जा रहा है, तो उनकी गाड़ी रोकी गई। लड़कों ने उनसे चंदा मांगा तो उन्होंने कहा हम चंदा पहले भी दे चुके हैं और इस सड़क पर हमारा आना जाना लगा रहता है और हम बार बार चंदा नहीं दे सकते हैं। जब दोनों ने इनकार किया चंदा देने से तो वो लोग दोनों को जबरदस्ती गाड़ी से खींचकर घसीट कर निकाल लिए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आपको बता दें कि यहाँ सुनीता किस्कू मलिंद मुर्मू की वाइफ गर्भवती महिला है जो कि पेट से थी। वहां पर कोई भी औरत मौजूद नहीं थी या फिर कोई महिला मौजूद नहीं थी, फिर भी उन लड़कों के द्वारा ही मलिंद मुर्मू की वाइफ को खींच कर निकाला गया। उसका गला का कपड़ा यहाँ पकड़ कर फाड़ दिया गया और उसके साथ मारपीट भी शुरू कर दी। लात और घूसा तक उसको मारा गया। ᱛᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱞᱟᱨ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱨ ᱚᱲᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱟᱝᱜᱨᱚᱵ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱦᱚᱨ ᱚᱲᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱥ ᱜᱷᱚᱴᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱟᱢ ᱫᱤᱭᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱩᱪ ᱞᱚᱲᱠᱚ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱡᱚ ᱥᱚᱨᱚᱥᱚᱛᱤ ᱯᱩᱡᱟ ᱠᱮ ᱨᱟᱢ ᱯᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱟ ᱢᱟᱝ ᱨᱟᱭᱮ ᱛᱷᱮ ᱠᱚᱱ ᱦᱮ ᱞᱩᱠ 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 ᱠᱚᱱ ᱦᱮ ᱞ
में आने से पहले ही मार दिया, क्यों सरस्वती पूजा के नाम पे चंदा नहीं दिया था। अगर हम देखें आईपीसी सेक्शन 509 के अंतर्गत यहाँ वुमेन्स के लिए राइट दिया गया है, एक महिला के ऊपर कोई भी, एक महिला के ऊपर कोई भी मर्द हाथ नहीं उठा सकता है इस तरह। अगर आप देखें कहीं भी अगर कोई पुलिस केस बनता है कहीं पर भी, कोई औरत या महिला कुछ अपराध करती है तो वहां पर भी पुलिस कांस्टेबल महिला आती है उनको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन ये लोग कौन है जो सरस्वती पूजा के नाम पे चंदा मांगकर एक वैसी औरत पर हाथ उठाया उन लोगों ने जिन्होंने कुछ गलती भी नहीं किया, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको पकड़ के पीटा गया। आखिर ये कौन है ये अनपढ़ लोग। खबर ये भी सामने आ रही है कि 12,300 रुपया का वहां से उनका छिनतई की गई है, जो कि जब इन दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला गया तो वहां पर कुछ लड़के द्वारा गाड़ी में रखा पर्स के अंदर 12,300 रुपये का छिनतई वहां पर किया गया। गाड़ी चितान रखो हमला लट गया गाड़ी दो बाकू रोपू रखा तो नहीं रहो तो मैं गाड़ी रे पर्स मिट्टन थे कंतली या बैग जहां तो को रोड़े जका दा और रोड़े कहते हैं मोटा मोटी 12,300 टका मिट्टन कैसरिया बंडल थे कंतली या उना तो को रे का लिए ने मुहूर्त। पुलिस थाना में लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन वहां से भी खबर ये सामने आ रही है कि पुलिस के द्वारा भी पीड़ित को ये कहा जा रहा है कि आप सबका नाम हमें लिख के दीजिए, पता करके लाइए। बताइए ये काम भी क्या पीड़ित का है, जो मार खाया वो खुद जाके पता करेगा कि कौन किसका किसका क्या क्या नाम था। अगर ये काम भी पीड़ित का है तो फिर पुलिस के झक मारने के लिए पुलिस स्टेशन बैठी रहती है। गांव वालों के द्वारा आंदोलन किया गया
वहां पर भीड़ इकट्ठा किया गया और रास्ता जाम करके पुलिस प्रशासन को बुलाकर गांव वालों के साथ बैठक की गई। बैठक में सबने ये मांग रखी कि 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है और सारे जितने भी दोषीदार थे अगर वो लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं तो और भी बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। लेकिन अभी 24 घंटा हो चुका है लेकिन अभी तक कुछ गिरफ्तारी का कोई खबर सामने नहीं आया। अगर हम झारखंड का खबर देखें तो हर जगह आदिवासियों के ऊपर अत्याचार का खबर हमें रोज सुनने को या देखने को मिलता है। यहाँ पर जो घटना हुई है वो भी आदिवासी लोगों के साथ ही हुआ है, जो मलिंद मुर्मू और सुनीता किस्कू हैं। यहाँ पर इन लोगों के ऊपर STFC एट्रोसिटी एक्ट भी लगना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा कि पुलिस उन लोगों को पकड़ क्यों नहीं पा रही है। उस गांव में जो समिति जिन्होंने पूजा करवाया, जितने लोग वहां शामिल थे, वहां पर समिति का नाम तो होगा, कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है नाम तो होगा ही, लेकिन पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है ये समझ से बाहर है। लकड़ा कुंडा के समीप जो घटना हुई है, बिंदापाथर थाना पड़ता है जामतड़ा, वहां के जितने लड़कों ने ये हरकत की है, 12 लड़कों का नाम पेपर में आया है, जितने भी लड़कों के द्वारा वहां पर सरस्वती पूजा के नाम पे चंदा के वसूली के दौरान जो मारपीट की गई है, हमें लगता है कि माँ सरस्वती काफी प्रसन्न हो गई होंगी इन लोगों की हरकत देखकर। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में IAS IPS जितने भी UPSC क्रैक करने वाले हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग निकलने वाले हैं इसी गांव से, यही लोग यहां से निकलने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गातिकू नो खबर आने को अड़ी बड़ी बुझे होना जब नुका हिजू का दिन रे बांग हुई माँ चिदा जे नुआ घटना ने तो नुकुसा हुई कहना हिजू का दिन रे इटावर सामा हुई दड़ी हुआ हिजू का दिन रे जहाँ के नुकन घटना हुई हुआ जो तुम लहा तो पुलिस कॉल गुपे कि यहाँ पर वसूली किया जा रहा है। कौन सा कानून में लिखा है कि रोड पर इस तरह जाम करके किसी भी तरह से चंदा वसूली करना एक सही तरीका है? कहाँ पर लिखा है आखिर इस तरह रोड जाम करके पैसा मांगना, कहाँ का ये रूल एंड रेगुलेशन है? तो कहते को तीन वीडियो तो इन्हें गुण गलम रहा मत नेक्स्ट वीडियो नवा टॉपिक सामते सामान को जोहार।